सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। संबल से सपा के युवा नेता सुहेल इकबाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सुहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सुहेल जी, पहला सवाल, 23 मार्च से लॉकडाउन हो रखा है, लेकिन अभी तक आपने लॉकडाउन के किस तरह से फेस को किया है इस लॉकडाउन को, और लॉकडाउन में जो सक्रिय नेता होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से कार्य किए हैं लोगों के लिए? देखिए, 22 मार्च को पहली मर्तबा जनता कर्फ्यू लगाया गया था जी, और उसके बाद 24 मार्च में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस वक्त पहली मर्तबा हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस पब्लिक के बीच में आया था। हालांकि इससे पहले से ही मुस्तकिल छोड़ बहुत केस सामने आ रहे थे जी। लेकिन 24 तारीख में जब लॉकडाउन हुआ है, तब से मुस्तकिल जो लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने तो लॉकडाउन को हो गए और आज अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। तो ये आनन फानन में जो ये वायरस सामने आया था और उसके अंदर जो सरकारी तरीके से इसकी घोषणा की गई थी कि हम लॉक कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू रहेगा, लोगों को घर में रहना है, और प्रधानमंत्री जी ने 18 दिन में कहा था कि महाभारत की जंग जीती थी, हम 21 दिन में इस वायरस से जीत जाएंगे। लेकिन 2 महीने लगातार बंद रहने के बावजूद भी वायरस आज भी उचित तरीके से, बल्कि और बहुत तेजी से हमारे बीच में है और कई लोग हमारे बीच में चल नहीं रहे। लिहाजा उस दौरान चूंकि आम जनता जो ठेले पर जो राजमजदूरी कर जो रोजाना दिन दहाड़ी अपना काम करके बच्चों का घर चलाती है, वो लोग बड़े परेशानी के हालत में थे उस वक्त। तो हम लोगों ने जो हमारी हमारा पूरी यूनिट है, जो हमारी टीम काम करती है शहर के अंदर, उसने पूरी मुस्तैदी से इस दौरान पूरी देखते हुए कि इंसान जो है इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहा है, पूरी ताकत के साथ इंसानियत को बचाने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है। सुहेल जी, आपकी तरफ से क्या कुछ मदद की गई है मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, क्या मदद कर रहे हैं उनके लिए आप? देखिए, जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, सब चीजें बंद हो चुकी थी, आमदनी खत्म हो चुकी थी, तो ये देखते हुए कि रमजान आने वाले हैं, तो रमजान को देखते हुए यहाँ बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई थी। खाने पीने को नहीं होता है, रोजे रखते हैं लोग और अफ्तारी करते हैं लोग, उस वक्त खाना पीना चाहिए था लोगों को। तो ये देखते हुए हमने अपने आला अधिकारियों से बातचीत की थी कि यहाँ पे जो लोग है ना ठेला लगाते हैं खजूरों के लिए, डबल रोटी के लिए, फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं या और पकौड़ियां बेचते हैं, इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेचारे भूखे मर जाएंगे। रमजान का ये लोग खाना नहीं मिल पाएगा, इन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल पाएगी जी। हम लोगों ने अपने तरफ से बात करके उसी तरीके से काम करते रहे और साथ ही साथ बताना चाहूंगा आपको कि हम लोगों ने जो हमारे बहुत से मजदूर बेचारे बाहर, हमारे विद्यार्थी, हमारे शहरवासी या हमारे और लोग ऐसे थे जो बाहर फंस गए थे, जो नेपालों में नहीं था, इस तरह से जिंदगी के अंदर ऐसा भूचाल आने वाला है, तो हमने उनके लिए बात करके मुख्यमंत्री जी से लखनऊ और जहां जहां जिन राज्यों में हमारे लोग थे उन वहां के आला अधिकारियों से, प्रमुख सचिव से और मुख्यमंत्रियों से बात करके उनके लिए विशेष तरीके से हमने पासेस इशू कराए थे और ऑनलाइन लिंक्स वगैरह में हमने बनवाए थे, जिससे बहुत से लोगों को आने में जाना सहूलत तो मिली, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी नाकाफी थी, क्योंकि जिन्होंने वो नंबर्स इशू किए थे वो नंबर्स पे कुछ दिनों के बाद बात होनी बंद हो गई, फोन रिसीव होने बंद हो गए, उन पे लोग संपर्क करते थे तो बात होनी बंद हो गई, तो बहुत सी परेशानियां सामने आई थी हमारे जी। बिल्कुल, लेकिन सुहेल जी, लॉकडाउन के दौरान जो मुरादाबाद के डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया गया, तो समर शहर में भी कोरोना के सर्वे में लगी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी केंद्र सरकार की सीए की टीम समझकर विरोध की कोशिश की गई, तो लोगों को अपने किस तरह से समझा, क्योंकि संभल अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है, जो डॉक्टर्स वहां पहुंचे थे स्वास्थ्य के लिए लेकिन उन पर हमला किया गया, और लोगों ने समझा कि ये शायद सीए के मामले को लेकर आए हैं, तो किस तरीके से आपने लोगों को समझाया कि ये सीए का कोई मामला नहीं है बल्कि जो कोविड-19 चल रहा है उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लोग आए हैं? बात सही है आपकी कि यहाँ पर चूंकि आनंद फानन में जब डिसीजन ले गया था तो लोग परेशान थे जी। खाने पीने के लिए परेशान थे, इससे पहले जब ये कोरोना वायरस था उससे पहले एनआरसी और सीए को लेकर बहुत बड़ा भूचाल हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ था, लोग इससे ही बहुत परेशान थे, उसके फौरन बाद ही ये
कोरोना वायरस की दस्तक आ गई। लिहाजा जिस वक्त यहाँ पर मुरादाबाद का केस जो आप बता रही हैं कि मुरादाबाद में पुलिस में और जनता में संघर्ष हुआ था, पथराव हुआ था, वो वाकई हमें तकलीफ हुई थी और फिक्र भी इसलिए हुई थी हमें क्योंकि शहर संभल जो है वो काफी संवेदनशील माना जाता है आधिकारिक रूप से। तो यहाँ पर भी जब एक केस पॉजिटिव आया था तो यहाँ के अधिकारियों ने अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने डाटा इकट्ठा करने के लिए घरों पर गए थे। जाने के बाद उन्होंने उनकी मालूमात की तो लोगों ने इस तरह से लिया कि जैसे एनआरसी के या सीए के कागज वगैरह मांगे जाएंगे इनसे, तो बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों के दिलों में था। हमें फोन आते थे कि हम क्या करें इस मामले में, तो हमारे अब्बा विधायक संभल ने इसके बारे में हमसे कहा कि आप लोग अपने तरीके से निकलो, गाड़ी के अंदर रात भर घूमो, दिन भर घूमो, लोगों को कन्विंस करो कि ये इस तरह की कोई बात नहीं है, इस वक्त जो है आफत का दौर है और इस आफत के दौर के अंदर हम जो कह रहे हैं आपसे उस पर यकीन करें, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं हम लोग और जनता हमसे बहुत बात प्यार करती है, लगाव रखती है, हम भी उनसे इतनी मोहब्बत रखते हैं, उनकी सुख दुख में साथ रहकर उनकी हर तकलीफ को अपने तकलीफ समझ काम करते हैं। लिहाजा इस वक्त हमने उनको ये समझाने का काम किया कि इस वक्त जो सरकार कह रही है, जो प्रशासन कह रहा है, वो हमारी भलाई के लिए है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, लिहाजा इसमें किसी भी तरीके से शक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा न करना जिससे शहर का मिजाज खराब हो जाए, शहर का माहौल खराब हो जाए। जो गंगा यमुना की तहजीब बनी हुई है शहर के अंदर, जो हमने पिछले 25-30 साल से मुसलसल बना रखी है, उसको बरकरार रखने के लिए हमने दिन रात मेहनत करके, मैंने खुद गाड़ी के अंदर बैठ के लाउड स्पीकर लगाकर गाड़ी के ऊपर मैंने दिन रात लोगों को कन्विंस किया, हाथ जोड़कर अपील की कि आप लोग जो डाटा मांगा जा रहा है वो दीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। और लोगों ने खुले दिल से इसको उसके बाद अपनाया और आज पूरी तरीके से लोग जितने भी आ रहे हैं बाहर से, आप स्वयं इच्छा से हम लोगों के कन्विंस करने के बाद जाकर अस्पताल के अंदर अपने आप चेकअप कराते हैं और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। लेकिन सुहेल जी, लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेंडर का काम ठप हो गया और दो वक्त की रोटी के लिए अब संकट खड़ा हो गया, तब उनकी आपने कैसे मदद की है? देखिए, ये बात सही है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सी आपदाएं आई हैं और उस वक्त हम लोगों ने अपने अधिकारियों से बात की, हालांकि अधिकारी जो हैं बहुत सी बातों में मजबूर थे, वो बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, मुलाकातें मुश्किल थी, तो किसी भी तरीके से फोन पर संपर्क करके हम लोगों ने, जो कि संभल के अंदर सबसे बड़ी चुनौती थी कि यहाँ से, यहाँ कोई भी क्वारंटीन सेंटर नहीं था, क्वारंटीन सेंटर न होने की वजह से चंदौसी जो तहसील अलग है, जो अलग विधानसभा है, वहां पर संभल से जो करीबन 25 किलोमीटर दूर है, यहाँ से लोगों को ले जाया करते थे चंदौसी, चंदौसी ले जाने के बाद वहां क्वारंटीन कराया करते थे 24-24 दिन, 25-25 दिन के लिए, जो बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी और फिक्र की बात थी शहरवासियों के लिए कि यहाँ से दूर जा रहे हैं और कितने दिन बाहर रहेंगे। तो हमने अपने डीएम साहब से, विधायक जी ने बात की, उन्होंने कहा कि संभल के लोग संभल में ही रहने चाहिए, कुछ भी करके हम लोगों को यहाँ इंतजाम करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। तो लिहाजा संभल के अंदर ही, क्योंकि रमजान आने वाले थे, रमजान को देखते हुए भी हम लोगों ने ये सोचा था कि संभल के अंदर संभल के लोग रहेंगे तो उन्हें ज्यादा मेडिकल जो है मिल सकता है, बामुकाबले इसके हम चंदौसी वालों से कहेंगे कि हमारे लोगों का ख्याल रखें। तो हम लोगों ने संभल के अंदर ही होली सुफा और एचएम ग्लोबल का रहना है। आपने संभल के लिए काफी कुछ किया है जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं लॉकडाउन, लेकिन आपने काफी अच्छी पहल की, आपने उनको तक खाना पहुंचाया, रमजान चल रहा था इस दौरान आपने सभी मजदूरों की मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे संभल से सपा नेता, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन चल रहा है उसको लेकर हमने कैसे मदद की है, किस तरीके